आज हम एकदम क्रिस्पी और खस्ता तिल के पापड़ और दालिया की चिक्की बनाएंगे। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं तिल का पापड़ और दालिया की चिक्की। 1 कप बिना पॉलिश का सफेद तिल लिया है, ये 150 ग्राम जितना है। इसे कढ़ाई में डाल देंगे। तिल का हमें कलर चेंज नहीं करना है, ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तब तक ही इसे भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए तिल को भून लिया है और ये क्रिस्पी हो गया है। तिल भून जाएगा तो इसमें से फूटने की आवाज आती है। ये हो गया है तो गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। 1 कप में थोड़ा सा कम गुड़ लिया है, ये 150 ग्राम गुड़ है। गुड़ को हमें बारीक चॉप करके लेना है। धीमी आंच पे लगातार चला के गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ को हमें लगातार चला के ही मेल्ट करना है, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। गुड़ को मेल्ट कर दिया है। अभी गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के 5 मिनट के लिए गुड़ को मैंने कुक किया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। गैस की फ्लेम धीमी कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के देख लेते हैं। 2 से 3 सेकंड के बाद इसे चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं गुड़ आसानी से टूट रहा है। इस तरह से गुड़ टूटना चाहिए। गुड़ का कलर एकदम लाल हो गया है। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तिल हमने भुना था ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस ऑफ कर देंगे और तिल को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बटर पेपर लिया है, इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है। ये थोड़ा मिश्रण हम इसके ऊपर रख देंगे। पानी वाला हाथ कर देंगे और इस तरह से इसे शेप दे देंगे। भाखरी बनाने का डट्टा लिया है, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप वाटी से भी कर सकते हैं। बेलन के ऊपर घी लगा देंगे और इसे बेल लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी पिस्ता की कतरन डालेंगे। बेलने का काम अभी जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। जितना पतला चाहिए उतना पतला पापड़ आप बेल सकते हैं। इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना पतला पापड़ बेला है। इस तरह से सभी बेल लेते हैं। मैंने सभी तिल का पापड़ बेल के रेडी कर दिया है। अगर पापड़ बेलते बेलते तिल का मिश्रण जो है वो ठंडा हो जाए तो आप इसे वापस थोड़ा सा गर्म करके बना सकते हैं। दालिया की चिक्की बनाने के लिए 1 कप दालिया लिया है, ये 125 ग्राम जितना है। इसे रोस्टेड चना दाल भी कहते हैं। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के 5 से 6 मिनट के लिए इसे भून लिया है। वैसे तो दालिया पहले से ही भुना हुआ रहता है, हमें इसका सिर्फ मॉइस्चर ख़त्म करना है और ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाना चाहिए। ये भून जाएगा तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी हमें गैस बंद कर देना है और इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। 3/4 कप गुड़ लिया है, ये भी 125 ग्राम जितना है। जितना हमने दालिया लिया है उतना ही गुड़ हमें लेना है। धीमी आंच पे लगातार चला के गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। धीमी आंच पे लगातार चला के गुड़ को मेल्ट कर दिया है। अभी गैस की फ्लेम मीडियम कर लेते हैं। लगातार चला के गुड़ को हमें कुक करना है, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए गुड़ को कुक कर लिया है और आप देख सकते हैं गुड़ का कलर एकदम चेंज हो गया है। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे। एक बाउल में पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के देख लेते हैं। 2 से 3 सेकंड के बाद देख लेना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं गुड़ आसानी से टूट रहा है।
इस तरह से गुड़ टूटना चाहिए। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। दालिया हमने भुना था ये डाल देंगे। एक टीस्पून घी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक चौथाई टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देना है। बटर पेपर के ऊपर मैंने घी लगा दिया है, इसके ऊपर हम दालिया का मिश्रण डाल देते हैं। इस तरह से फैला लेंगे। इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर रख देंगे, ऊपर मैंने घी लगा दिया है, और इसे बेलन से बेल लेते हैं। इसे बेल लिया है, बटर पेपर निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा सेट होने देंगे, इसके बाद इसके ऊपर कट लगा लेंगे। बहुत ज्यादा इसे ठंडा नहीं करना है, नहीं तो कट नहीं लगा पाएंगे। थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसके ऊपर हम कट लगा लेते हैं। चिक्की को 15 से 20 मिनट सेट होने देंगे, बाद में इसका पीस अलग करेंगे। 20 मिनट के बाद मैंने चिक्की का पीस अलग कर दिया है। तिल के पापड़ और दालिया की चिक्की रेडी है। ये एकदम क्रिस्पी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।